तो गाइज आज फाइनली हमारा प्रोग्राम बन गया है। पिछले साल से हम ये प्रोग्राम बना रहे थे जाने के लिए, बट लेकिन कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था और इस बारी फाइनली हम जा रहे हैं। और 7 बज गए हैं, हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, 3 घंटे ही रह गए हैं और है भी इंटरनेशनल फ्लाइट। तो गाइज कहाँ जा रहे हैं हम, कुछ एनी आइडिया? कहाँ जा रहे हैं हम? दुबई। तो गाइज हम जा रहे हैं दुबई और वहाँ पे हमारी फैमिली भी आई हुई है, मैं आपको सबके साथ मिलाऊंगी। और हमारी फ्लाइट जो है 10 बजे की है, रात को हमने 12 बजे के आसपास वहाँ के आई थिंक 10:30 बजेंगे, यहाँ के 12 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे। 3 घंटे की फ्लाइट है और वहीं पे हम जाके मिलते हैं। अभी बस कैब बुक करवा ली है, अभी हम जाएंगे एयरपोर्ट पे सारी चेकिंग वगैरह करवा के फिर आपसे मिलते हैं। चलें, वो आने वाला है कि नहीं? 4 मिनट्स, चलो ना नीचे चलते हैं। और एक और बात, हम अपना पूरा घर जो है पूरा सेट करके जा रहे हैं क्योंकि हम 8 से 9 दिन रहने वाले हैं, तो पीछे से कुछ ना हो, खराब वगैरह ना हो सारी चीज़ें, और हमें सफाई ना करनी पड़े। सबसे मेन बात तो ये है कि हमें सफाई ना करनी पड़े, तो इसलिए मैंने पूरा सोफे को कवर कर दिया, टीवी को मैंने प्रॉपर कवर चढ़ा दिया है। और अभी तक गाइज मैंने आपको होम टूर नहीं दिया, बट लेकिन मेरा बहुत मन है दूंगी, बट अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे, हमारा शैंडलर लगने वाला है, ये भी बाकी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, तो मुझे है कि वो सब लग जाए उसके बाद मैं होम टूर दूंगी। तो गाइज चलो चलो चले, यहाँ हम 8 दिनों के लिए रहे हैं और सामान हमारा देखो कितना सारा है। सामान हमारा 2 महीने का, और इस बार मेरा इतना सामान नहीं है जितना मनी का। टी शर्ट को छोड़ के बाकी बोल, शूज कितने? लेट्स गो। हाँ, शूज बहुत सारे हैं गाइस, वहां जाके मैं अभी खोलूंगी ना आपको, तो मैंने क्यों इतने सारे शूज लिए, डलेंगे गाला पड़ेगा जितना, वहां जाके मुझे और गालियां पड़ेंगी। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, तो बस अभी फिर दोबारा घर आई हूँ। 5 मिनट के रास्ते पे हम पहुंच गए थे और उसके बाद याद आया कि मुझे कि वॉच नहीं ली, ना मैंने ली ना मनी ने ली, और ऊपर से हम कुछ डाल के भी नहीं जा रहे, तो मुझे था कि वॉच लेनी है, तो भैया से दोबारा गाड़ी मिलवाई है और अभी वॉच लेने लगी हूँ। A few moments later. शारजा एयरपोर्ट, और ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं बस स्टैंड पे आ गई हूँ, इतना रश है। अभी हम सामान लेंगे अपना, और इवन कि अभी भाई को लगा 12 बजे पहुँचने और हमारी फ्लाइट जो है 11:15 लैंड भी हो गई है, बट ठीक है अभी भी हमें भी आधा घंटा लगेगा इमिग्रेशन करते करते, तो तब तक वो भी आ जाएंगे। इमिग्रेशन अभी बस यहाँ से हम करवाएंगे और उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं। तो गाइज इमिग्रेशन वगैरह सब डन हो चुका है हमारा, कुछ भी ऐसा नहीं था, 5 से 10 मिनट लगे हमें इमिग्रेशन करवाते हुए, और बाहर आकर इतना ज़्यादा रश है ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे, मुझे तो सीरियसली ये बस स्टैंड वाली ही लुक दे रहा है, मनी ये दुबई वाली लुक दे रहा है अभी तक नहीं। अभी तक मेरा भी यही है व्यू पॉइंट, अभी जब हम बाहर जाएंगे, यहाँ ऊपर से देखा था तो थोड़ा 5-10% हमें दुबई लिखा था, क्योंकि अभी ये शारजा है तो यहाँ से 40 किलोमीटर्स आई थिंक है दुबई का डाउनटाउन, तो बस अभी हम वहीं जाएंगे। अभी आ रहे हैं भैया, उनको लगा कि 12 बजे हमारी फ़्लाइट आनी है, बट हम 11:15 पहुँच चुके थे और 10 से 15 मिनट में ही हम बाहर आ गए थे, तो ठीक है अभी 5 मिनट लगेंगे उन्हें पहुँचते, तब तक हम आपको एक दो चीज़ें बता दें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आपने ट्रैवल करना है। सबसे पहले तो आपको इंडियन करेंसी अपने साथ नहीं लेके जाना, इंडियन करेंसी अगर आप लेकर जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 पर पर्सन लेकर जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लेकर जाते हो तो वो कस्टम वाले आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो हमने फिर उसको रिटर्न किया। और सेकंड बात थी कि आपका यहाँ पे कुछ भी RT-PCR टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हमसे पूछा, और हमारा पुणे एयरपोर्ट पर भी चेक नहीं हुआ था, तो हमने ऑनलाइन चेक किया था, तो उसकी नई रिक्वायरमेंट अब। और एक और चीज़, ये आपको जब आप ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए बोलेंगे करवाने के लिए, बट हमने दोनों ने करवाई ज़रूर थी, बट लेकिन चेक नहीं हुआ, चेक ही नहीं किया, आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो वो फालतू का खर्चा है।
मतलब ज़्यादा नहीं है बट फिर भी एज ए सेफर साइड लेके जा लेकर जा सकते हो, बट हमने करवाई थी तो बट हमारी चेक नहीं हुई और ऊपर से सिर्फ आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट और डोज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपकी डोज चेक होती है, तो फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। अभी के लिए मेरे दिमाग में इतनी सी ही बातें याद आ रही है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है मुझे। ये देखो क्या पता नहीं क्या क्या लेकर आए, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये देखने जरा पहले पंजाब वाले आता नहीं कहीं आया ना है कनु। मौसम अच्छा है यार, मौसम बहुत अच्छा आज। हां यार तू कितना मोटा हो गया। हां कितना मोटा लग रहा है ऐसा लग ठीक है डब्बा। ओए ये दे सारा पानी, सारा पानी गिरा दिया पा दे तू। तू आंदे स्टार्ट करता अपना काम। हां सच्ची में लग रहा था, मैं क्या ठंड लग गई। चलो बैठो बैठो बैठो। ये बाहर का व्यू है बट यहाँ पे नीचे है यार, अगर ऊपर होता ना तो बहुत अच्छा व्यू आता है ना। ये रहा बुर्ज खलीफा, तो ये रहा वही तो बोल रहा हूँ पैदल है ये तो। हाँ योगी खलीफा मैं देख लूँ गूगल मैप्स में। हाँ बिल्कुल पास में मुझे लग रहा है। और खाना रेडी है तो क्या बना है? आ जाओ बच्चों खाना खा लो। क्या बना है मम्मी? हम दुबई में आके भी होली सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो गाइस इस बार की होली हमारी दुबई में सेलिब्रेट की गई है और हमने सिर्फ गुलाल के साथ ही सेलिब्रेट किया है, ज़्यादा कलर्स वगैरह नहीं लगाए क्योंकि बाद में गन पड़ जाना था। और सबकी शक्लें देखो और ऊपर देखो ये है बुर्ज खलीफा। तो गाइस होली हमारी सेलिब्रेट हो गई है दुबई में भी, बहुत ही मज़ा आया हमें। थोड़े बहुत ही होली हमने खेली क्योंकि यहाँ पे इतना खेल नहीं सकते बट लेकिन ये भी यादगिरी हमारी रहेगी। और मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का, अगर हमने सोचा था कि गर्मी होगी बट इस टाइम थोड़ी धूप वगैरह रहती है बट हवा बहुत मस्त चलती है। व्यू बहुत ही सही है, सामने बुर्ज खलीफा है और ये बुर्ज खलीफा है और ये सारी आई थिंक रेजिडेंशियल एरिया है। अभी हम जा रहे हैं मीना बाज़ार, मम्मा उनको पहले उनको है कि चलो उनका काम थोड़ा ख़त्म करवा दें तो अभी हम मीना बाज़ार जाएंगे और रात का भी हमारा प्लान नहीं है। वैसे हमने सोचा है कि हम फ्राइडे नाइट करने जाएं, वो भी अभी हमारा सर्च ही चल रहा है कि फ्राइडे होगी या फिर यहाँ पे सैटरडे नाइट अच्छी होगी, तो देखते हैं वो रात का प्लान क्या जाता है। और वो देखो वो जा रही है लंबॉर्गिनी पोर्श।
स्कॉश है क्या? ये मैंने खाया। गाइज अभी हम दूसरे फ्लैट में आए हैं तो यहाँ का व्यू तो और भी ज़्यादा मस्त है क्योंकि ये 24th पे है। ये सारी रोड है यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं मीना बाजार और क्या क्या वहाँ पे हम ले सकते हो वो भी चीज आपको दिखाते हैं। देखते हैं। हाँ जी कितने के हो? चलो ज्वेलर्स है तो यहाँ से हम देखते हैं अगर कुछ मिलता है हमें। तो ये है मीना बाजार। शो मी, वाओ ये तो नवाब लग रहा है पूरा। ये देखो हमारे भाई क्या क्या लेने वाले हैं। ये इतनी मोटी चेन, मुझे नहीं लगता तुम अमृतसर जाने वाले हो, ये रास्ते में ही रोकने वाले हैं। और इसका ये ब्रेसलेट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखो ये मीना ज्वेलर्स है तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वैरायटी है इसके पास। Hours later. हाँ फाइल मजा आ रहा है अभी। हाँ थोड़ी फील आ रही है ना? फील आ रही है, कंफर्टेबल है। गाइस अभी हम आए हैं डिस्क, दुबई हम जा रहे हैं और ये है दुबई व्यू। सी इट्स सो अमेजिंग। लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड लड़ाई हो रही है। ये देखो लड़ाई हो रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। जस्ट अभी हम फ्री हुए हैं खाना वगैरह खा के, एक बज चुका है यहाँ पे और अभी भी इतनी ज़्यादा रौनक है ना यहाँ पे कि मज़ा आ रहा है हमें। और यहाँ का व्यू इतना मस्त है सीरियसली यार। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और ये JBR रोड है तो रात को भी लाइक 1-2 बजे तक प्रॉपर यहाँ पे भीड़ रहती है। GT है, जी मर्सिडीज है। हाँ अलाउड है यहाँ। मस्टैंग यहाँ पे ऐसे लग रहा नॉर्मल गाड़ी है ना। है ना कन्ने को 2 मिनट वेट करने दे।